हेलो बिदार राम सुबीर को। और आज मैं आज की मेरी बाकी घर है और देख लो मेरी बा क्या कर रही है, पक्षियों को पानी डालने के लिए बना रही है कुछ। तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज हम कर रहे हैं एक नया कार्य जिसके अंदर हमारे खो गए हैं औजार वीडियो के चक्कर में। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये थी मेरी एक हंडिया जिसमें मैंने एक दिन जमाया था दही और दूसरे दिन धोने के चक्कर में ये हो गई, टूट गई, क्योंकि ये बाहर पड़ी रहने के कारण खज गई थी भाई, खजी हुई थी, तो इसलिए धोते समय ऐसे निकल गई। तो मैंने इसको देखो आप ऊपर से कटिंग कर ली है और एक साथ कटिंग नहीं हो पाई क्योंकि ये यहाँ से ज्यादा निकल चुकी थी। और इसके अंदर आप ये देखिए, ये मैंने सुराख कर दिए, दिख रहे हैं ना आपको सुराख, दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर रस्सी डाल के, इनके अंदर रस्सी डाल के इनके ये बना देंगे तो पक्षियों को पानी डालने का, ठीक है। वैसे मेरे पास एक ही है अभी तक, मैं सोच रही हूँ अभी और बना देती हूँ क्योंकि घर में जो चीजें हैं उनका बनाएंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरे पास पिछली साल का ये मटका टूटा हुआ पड़ा था। वैसे इस मटके को देखो, हमने ये लगा के पिछली साल इसमें पानी पिया है, अब की बार तो ये नहीं पिया इसमें। तो तुम बीच में फंसी न रहो, कौन से के गुम हो गए थे। मैं आपको बता देती हूँ बहनों, इसको मटके को जो है पक्षियों के दाना डालने के लिए बनाने का सही तरीका, वैसे तो क्या है ना, मटका ऐसे टूट जाता है, कभी कैसे टूट जाता है तो अपने आप भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा मटका टूटा और उसको आपको पक्षियों को दाना डालने के लिए बनाना है तो दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए भाई, कहते हैं अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ कार्य कर रहे होते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग उन कार्यों को देखेंगे तो आप जरूर उनसे कुछ सीखेंगे। तो पहले इस तरीके से कुछ भी जो भी काम मेरे को आ रहे हैं ना, वो मैंने मेरे पीर में मेरे पापा वगैरह ऐसे कुछ काम किया करते थे ना लोग, और मैं जैसे हमारे घर में भी कुछ काम चलता रहता तो उसमें भी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, आपको ले लेना है ये छोटा सा पेचकस, और ये इस तरीके से आपके पास अगर छोटी है थोड़ी है तो ठीक है, वरना ये मेरे पास है प्लास, इतना तो मैंने कर दिया है। देखिए आप, आपको मैं तरीका बताती हूँ, जरा इधर लाइए कैमरामैन, इसके ऊपर कर लीजिएगा आप एकदम से, आपको एकदम यहाँ नहीं लगाना है, थोड़ा इधर लगाना, ठीक है, आपको आसानी होगी। इसके साथ साथ ही आप इतना कर सकते हैं, जरा ध्यान से ये देखिए आप, ठीक है। अगर हम एकदम से ऊपर लगाते चलेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा इधर लगाना है, थोड़ा टेढ़ा लेना है, ये देखिए आप, ठीक है। ये मेरे सब काम जो है ना, ये मैंने इधर उधर मिस्त्री वगैरह काम करते रहते हैं ना, तो मैं उनको देखती रहती हूँ भाई, जैसे हमारे घर में कभी काम चलता है। तो मटका मैंने थोड़ा पीछे करिए कैमरामैन फोन को, मैंने मटका काफी दिनों से बाहर रखा हुआ था, इनको बोला हुआ था कि इसकी कटिंग कर दो, कटिंग कर दो, बोले कैसे कर दूं कैसे कर दूं, कुछ मेरे से नहीं हो रहा, क्या किस चीज से करूं, ये करूं वो करूं। अब आज भाई मैं सुबह से लगी थी, मैंने कहा इसको कैसे कटिंग की जाए, अभी जाके मेरे को ये आइडिया आ गया है, क्योंकि पहले मैं इससे सुराख निकाल रही थी इस हंडिया में, तो अब मैंने सोचा कि इस तरीके से करके देखती हूँ। तो ये जी एकदम से सही चल रहा है अभी, तो देखते हैं बनने के बाद आपको जरूर दिखाएंगे, और इसको कहाँ रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो में बड़े रहना, जाना नहीं कहीं पे भी, तब तक ठेरा भी लगा हुआ है अपने काम, ठीक है। बड़ा मुश्किल है बाबा इस तरीके के काम करना, ये देखिए आप हमारे हाथ में स्वेलिंग भी आ गई है। कहते हैं जो काम जिसका काम उसी को साजे, तो होता तो अक्सर वही है कि जो हर रोज करते रहते हैं ना भाई, उनको आदत लग जाती है, चाहे कोई भी काम हो। जैसे हम महिलाएं झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती है, तो इतने में हमारे को कोई थकावट होती नहीं है। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहा है कि आपको स्विलिंग आ गई, क्यों कि पेचकस को ना देखो आप, पेचकस को ऐसे ऐसे टाइट पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो हाथ के ऊपर ऐसे प्रेशर आ रहा है, लगातार काम हो नहीं पा रहा, दोनों हाथों में स्वेलिंग आ गई है भाई। पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, अभी से इतने छोटे छोटे कामों में ऐसे हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं अक्सर, काम आजकल कम हो रहा है अभी सब लोगों से। तो भाई फाइनली हमारा मटका जो है कट के हो चुका तैयार, देखिए आप कितनी शानदार शेप में आया है, गोल एकदम से। आपको यहाँ से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो है वो दरार है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली देखिए आप, ये इसके ऊपर हमने वो इसको डबल मिला के क्या बोलते हैं, बैंडेड वगैरह कुछ बोलते हैं ना, पता नहीं, वो थी वो ऐसे चिपकाई हुई थी, जैसे ही मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही थी ये उतर चुकी है, और यहाँ पे इसके जो है वो दरार अभी भी है, तो वो दरार होने की वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा। वैसे मैं अगर पहले इधर से कट करके लेके आती ना तो इतना ये यहाँ से भी नहीं जाता। अब मैं यहाँ से कटिंग तो एकदम से सही करके चली गई थी, लेकिन जैसे ही आगे पहुँची ना इतनी देर में आगे की धड़क से, और ये यहाँ से ऐसे निकल गई, नीचे दरार थी ऊपर भी कट हो गया, तो ये यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से थोड़ा सा रहा है, और बाकी आप देखिए एकदम से शानदार ठठिए के आकार का जो है गोल अपना
तैयार हो गया कट के। अभी इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घिसाई कर लेंगे। कैसे मैं दिखा देती हूँ आपको। आप आपके पास चाकू अगर एक्स्ट्रा है, सॉरी बहनों मेरे पास चाकू एक्स्ट्रा नहीं हो पाता, पता नहीं क्या कारण है, एक चाकू दूसरा लेके आई वो जल्दी टूट गया, मेरे एक ही चाकू चलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कुछ भी चीज़ है उससे आप इसको एक सार कर लेंगे, ताकि पक्षी आके पैर रखे ना तो उनके ऐसे चुभे नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कुछ भी काम। तो इस तरीके से इनकी आप अभी घिसाई कर दूंगी मैं, फिर आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए आप ऐसे कटिंग करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारे लिए स्टैंड भी तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये देखिए, ये हमारा स्टैंड है और कहीं टूट ना जाए, बहुत नाजुक मटका होता है भाई ये, जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना वो जान सकते हैं इस मटके की वैल्यू और इस मटके का मतलब लेयर जो है वो कितनी पतली होती है। इसीलिए ये मेरे से टूट गया आसानी से। आप सब लोगों से नहीं टूट पाएगा मटका आसानी से, क्योंकि मटके होते हैं जो उनकी मोटी मोटी लेयर होती है। ये हमारे यहाँ राजस्थान में स्पेशल मटके होते हैं जी फ्रिज, तो इनकी लेयर बहुत पतली होती है और ये इससे टूट चुकी है। तो ये देखिए आप इस तरीके से ये जो है ये इसका स्टैंड भी हो गया है। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह मिली, लेकिन इसके साइड में ईंटें भी लगानी पड़ेंगी भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा रह जाता है ना, तो ऐसे कागला नहीं होता, बड़े पक्षी अगर आकर ऐसे ऐसे धड़ाम से ऊपर गिरेंगे ना तो इसके गिरने का भय नहीं, नीचे से इसके लुढ़कने का भय रहेगा ऐसे, ठीक है। पता नहीं भी क्या क्या खड़पड़ होती रहती है पूरे दोपहर में। तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ अच्छे से एक बार, अभी तैयार नहीं हुआ है अपना। जैसे ही तैयार हो जाएंगे दोनों चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हम कहाँ लटकाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप, हमारी तैयार हो गई है इसी तरीके से जो है प्रिंडा, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसको हम कहाँ लटकाएंगे वो आपको बताएंगे। ये मैंने रस्सी वस्सी से बांध के तैयार कर ली है, ये देखो। अभी तो भाई दो पैर बहुत भयंकर वाली दो पैर हो चुकी है। अभी हमारा काम जो है काफ़ी घर का काम भी बाकी पड़ा है, नहाना धोना बाकी है, फिर बाद में शाम को इनको कहाँ रखेंगे वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहना आप लोग ब्लॉग वीडियो में, और हमारे वीडियो देखते देखते आप भी कुछ प्रेरणा लेना जी, और ऐसा कुछ करना जरूर जरूर, ठीक है। अभी बने रहना आप लोग। तो माई यूट्यूब फैमिली फिर से स्वागत है, फैमिली फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग वीडियो में। और अब देखिए आप हम लोग इनको कहाँ लेके जाएंगे, इसकी हाय भी ले लो भाई, राम राम वो वीडियो चल रहा है वो दोबारा राम राम भी कर दिए छोरी भाई, कोई ना चलो आती ढंगू लिए छोड़ देगी नहीं, कोई भरोसा को नहीं है। मैं इसने देना कौन चाहती थी भाई, फोन पकड़ाऊंगी इसने मैं लूंगी, कोई भरोसा को नहीं है मेरी, इतनी मेहनत पर पानी फेर सक। तो अब हम इनको कहाँ रखने वाले हैं वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जी ये मेरे घर के बगल में एक कीकर खड़ी हुई है, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के बांध देती हूँ इसको, क्योंकि वो बिल्लियाँ खा जाती हैं घर वाले के, उसमें इसको पानी पीने नहीं देती हैं। तो इसके ऊपर ऐसे लटका दूंगी कि बिल्ली भी नहीं पहुंच पाएगी यहाँ पे, वैसे भी पक्षी बहुत ज्यादा होते हैं बाहर की साइड में तो वो भी पी लेंगे। तो अब एनो देख लो, इसको आपको जचाने का तरीका बता देती हूँ। बैलेंस देखना है अपने को, ऐसे ऐसे नहीं हिलना चाहिए ये, ठीक है। ये देखो ऐसे यहाँ से हिल रहा है, ऐसे नहीं हिलना है इसको, ऐसी जगह पे रखना है अपने को एकदम से समतल, ऐसे 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 लगता नहीं हो, ठीक है। ये देखो अब एकदम से सही है, और इसके यहाँ लगा देंगे ऐसे ईंटों को ऐसे भाई। दीवार थोड़ी भीड़ी होती है आजकल, इस साइड में तो ईंटें लगा नहीं सकते हैं, दो साइड में सपोर्ट कर दिया है। और अब इसके अंदर रख देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे खिसक रहा है, इसका भी मैं पूरा करूंगी कि इसके अंदर कुछ ऐसे ये फूसा जो पड़ा है ना ये भरने की कोशिश करती हूँ, ताकि इससे जो है ना ठंडा भी रहेगा। तो कुछ ट्राई करते हैं, पहले बाद में दिखाएंगे आपको क्या किया, ठीक है। तो जी ये कुछ इस तरीके से मैंने जचा दिया है इसको समतल करके। अब इसका शुभ मुहूर्त जो कहते हैं ना कि कन्या से करवाना चाहिए हर एक चीज का शुभ मुहूर्त, तो अब इसका शुभ मुहूर्त जो है छोरी लाग रही है भाई दिखानी, तो मैं डालूंगी बुआ में, ठीक है भाई तू कर दे शुभ मुहूर्त डालो, अच्छी आदतें सीखना अच्छी बातें होता है बच्चों के लिए। वैसे अपने खेत में रख रखा नहीं उनने भर के आया कराया कर जावा जिद, निखिल भरा है। हाँ कौन फिसड़ा डाल दे, आराम से डालिए फोड़ ना दिए मेरे। हाँ देखा कितनी ऊंचाई से डाला हुआ, ठीक है। और भर दे पूरा भर दे इसने, ठीक है। ये तब तक डाल रही है इसमें पानी भाई, इसको भर रही है, तब तक मैं डाल देती हूँ पौधों में पानी। आजकल मोटर से डालते नहीं पौधा में, पौधा में बड़ी बाल्टी से डालना है, इससे बहुत टाइम लगा वो। हाँ तो इसमें से, लेकिन बाल्टी से चलो कुछ मैं डालूंगी कुछ इसको दूंगी भाई,
हम लग के पहले पौधों में पानी डाल देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो भाई ये भर लिए हैं छोरी, देख लो गमला, कह बुआ जी मैं डालूंगी उसमें, उसमें कांटा बहुत है, डालू तो मैं ही गई, तू ले चल अपना उठे तक, लेकिन अन्न तबर जाएगी के बांडी, तो ध्यान रखना पड़ो, मैं तन पकड़ा दूंगी, ध्यान तो चालिए तूड़े, ठीक है। और अब भाई हम उसमें डाल देते हैं पानी, वहीं पे करेंगे वीडियो का एंड। मैंने पहले मेरे जो पीछे पौधे हैं ना उनमें सब में पानी डाल दिया है, 9 मेरे पास पौधे हैं, देख डोल मत आराम से चल, 9 मेरे पास पौधे हैं। और वो जो भिंडी और ग्वारफली अभी खड़ी है भाई, देखते हैं बारिश में वापिस से बारिश होगी तब तक उनको रखेंगे, फूट जाएंगे। उसमें इन छोरी ने डाल दियो भाई थोड़ा बहुत, हाँ चल तरह मैं चलाऊंगी, देखियो भाई एक बुंडी शक्ल को कुत्तो दी, इस कुत्ते से मेरे को घरना होती, देख लियो थे मैं बोलन लाग रही हूँ ना, मतलब अब कान कान को ये तकन लाग रही है, पानी पीन को बानो करन लाग रही है, पानी का मैं आवे और बढ़ जा पूरी इतना जा क्यों पीले, फिर पानी बावस तो ही पीले ने पीण तो तेने कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर घुसने मतलब है, इसने बस ये पूरी ट्राइम है बस कदी इसका मैं मामी थोड़ा सा ही ना उन्होंने और लेर गो तो मार जा थन पानी की हालत दिखाऊंगे, दिख तो होगो के भाई इतनो गंदो पानी कर दे जा सके। तो जी अब हमारा ये इधर वाला परिंडा है इसमें डालेंगे, तू चप्पल पहन रही है और तेरा कोई बड़ी वाली सूल चाल जाएगी, उरे सी करा ले लेमन ने पकड़ा पहली, तो ये एक पकड़ा दे तू, एक ना पहले ऊपर ना देख पहले नीचा देख, ध्यान से पैर रख ले एकदम सही है, हाँ पहली पैर रख ले, मरवा होगी भाई मानने को नहीं पर बात दिल्ली बहुत है, चल कोई ना भर दे एक ही और ना आवड़े को इसमें तो पकड़, हाँ सही पोजीशन में खड़ी है छोरी तावड़े पकड़ा नहीं कह भर गयो क्या आंगले डुबो के देख ऊपर ती आ गयो के, हाँ आ गयो ना ठीक है, दोनों इनसे भर गयो है, ये उल्टा खून रखा ये ले चलांगा घर ही। और अबे मैंने दो और बना दिया भाई सकोरा दूर दूर बनाने को कारण, देखो भाई देखो 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 वो गयो इतनी बार में बढ़ गयो बड़ो भाई, मैंने कहूँ पूरी इंतजार में रह का कद सीख मैं नहीं नो, देखो वो गयो भाई पानी नहीं छोड़ा भाई जिंदा रहा पीण जो को लड़ जा, ओहो सांस कौन चढ़ी भाई यार दुख लाग्यो कैमरों पकड़े पकड़े हाथ है नहीं तेरा लंबो इन आ जा। तो भैया भाई मैं बता दूँ आपने ये दो आठ रखने को कारण या छोटी सी हंडिया तो मैंने उरे यूं टांगी है कि उरे है छाया दिन में उरे की इस इंद्रली गहरी किकर है छोटी थोड़ी सी उस साइड में गहरी किकर और है कोई शिष्य में कोई टाली है उसके ऊपर चिड़िया बैठे दिन में तो वह तो पीलेंगी उरे और इले में नहीं कागला होया जो इली साइड में जो खेड़म जो जिंदावर है नहीं बहन के पीलेगा तारा पर बैठी मोटी रोर बताऊं क्यों मेरा उरे रह चिड़िया ताक मैं था नवा वीडियो डालनी भी भूल गई उस दिन वाली ताक में रह कमान पाओ सिर्फ है नी चिड़िया चिड़िया आवे उरे मोडी हुई और हुई बारला जिंदावर है नी अब वो जो मटको काट के रख दियो उसमें अपने बार का जिंदावर आके पीलिंगा और बिल्ली से ही बचा रंगा हालांकि बिल्ली उठे बैठी रहे मैं थान दिखा भी दी और आज वैसे तो पर्यावरण दिवस है भाई आज लेकिन ये वीडियो मेरी लेट आने वाली है पता नहीं शायद कल नहीं शायद परसों आएगी तो पर्यावरण दिवस के ऊपर मैंने अब की बार पौधा लगाया नहीं है क्यों नहीं लगाया बता देती हूँ बहनों आपको इन वाले मारूंगी चटली करती आठ है जिद भाई क्यों नहीं लगाया बताऊँ आपको मैं हमारे यहाँ बहुत भयंकर अभी भी गर्मी है जब तक मानसून वाली बारिश नहीं आ जाती है तब तक हमारे यहाँ पौधा कोई लगता नहीं है तो पर्यावरण दिवस का कोई ढोंग तमाशा तो हम करेंगे नहीं लेकिन अब की बार आगे बारिश जब मानसून जब आएगी देखो ये पिछले साल के पौधे हमारे मानसून से बाद के जब हमने प्लॉट लिया तब लगाए थे 9 पौधे और उसके बाद में है ना हम अब की बार जब बारिश होगी ना तब और लगाएंगे तब आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो में कि भाई कौन कौन से पौधे हम लगा रहे हैं एक और जगह पे मैंने सोच रखा लगाने का तो वो भी आपको बताएंगे जरूर और है ना तब तक आप लोग तब तक नहीं हमेशा हमेशा के लिए अगर नए चैनल पे आए तो जुड़ जाओ हमारे चैनल से और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ तो कर दे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले व्लॉग वीडियो में तब तक के लिए राम राम बाय बाय सभी को बाय बाय कर दें।